चार उपवास, चार महीना कंटिन्यू 120, 121, 123 ऐसे उपवास की आराधना की और आगे जाके भगवान महावीर जो तप किया अभी 6 महीना टेक टाइम उसके ऊपर आपकी शक्तियों को भी भगवान ने मना तो उसके ऊपर आप उपवास नहीं कर सकते तो यो जो डेड लाइन जो बॉर्डर लाइन है वहाँ तक के 6 माह के उपवास उन्होंने एक बार नहीं दो बार नहीं अभी 7वीं बार 6 माह के आज 80 कितना है 85 पूरे हो गए 85 उपवास जिनके पूरे हुए अभी यहाँ से हम बोली में जाने वाले हैं और माक्षर व 11 को 96 उपवास पूरे होंगे जब देव पचकार लेते हैं एक एक उपवास नहीं एक एक रन नहीं फोर नहीं सिक्स नहीं कितने एक साल जब भी पचकार लेते एक साथ 16 आप शादी के पहले 16 किया था ना पाकिस्तान में करते हैं कैसा 16 किया था एक साथ 16 उपवास किया था नहीं एक उपवास और अमृत उपवास बैठना करके वापस करते हमने 16 ऐसे 16 नहीं लगातार 16 उपवास एक साथ में 55 और ये 6ठी बार पूरे होंगे 7वीं बार चालू होंगे सेंचुरी अभी आएगी सीधा 100 उपवास अभी पूरे होंगे और ऐसी उपवास साल के आधा साल जो भूखे रहते हैं और आप 24 घंटे में आधा दिन भी खाना नहीं छोड़ते रात को भी खाते दिन को भी खाते 24 घंटा खा चालू है यह है पावर भूमि यहाँ बार बार आना है जब भी मिला बैठ जाते हैं खाना कम से कम संकल्प ऐसा जबरदस्त आलम्बन आपके सामने है बिहार करके आपके लिए आए हैं काका घूम घूम कर हम आए भूल टेकर से निकले और वहाँ से हरियत गए सुभाषनाथ गए और यहाँ से यहाँ आए और ये 85 उपवास में इतनी स्फूर्ति इतनी ऊर्जा इतना तेज उनके ऊपर देखो सूर्य का तेज कम लगता है उससे ज़्यादा उनके मुख का तेज अच्छा लगता है आप सब उपवास करके बैठे हो ऐसा आपके आपका मुख लगता है और उनका तेज देखो जो पाना करके बैठे हो ऐसे एकदम मजबूत तरीके से बैठे हैं उनकी निष्ठा उनकी निष्ठा में और भगवान गोरी पार्श्वनाथ और चिंतामणि पार्श्वनाथ दादा की छत्र छाया के अंदर पोष दशमी का तेरा भगवान पार्श्वनाथ के 2900 साल जन्म के पूरे हुए हैं और उस वक्त ऐसा जबरदस्त माहौल पूना के अंदर 600 आदमी तो संकेश्वर गए हैं दूसरे 500 पास चले गए हैं 1100 तो अठम से पूना में और गोरीजी दादा की निष्ठा में उनकी उनकी हाजिरी के अंदर उनकी उपस्थिति में उनके हाथों से पचखान उनके हाथों से वासक्षेप और उनके हाथों से पास लेना है हमारे साथ आज हाँ हम आपके लिए बहुत एडजस्ट करके सब छोड़ के आज आपके यहाँ आए हैं कल आपको हमारे साथ गोरी जी पार्श्वनाथ दादा यहाँ से कितना किलोमीटर है बस डेढ़ किलोमीटर सिर्फ है पैदल यहाँ से छरी पाली सन निकालना है यहाँ से छरी पाली सन बाजे गाजे के साथ 8:30 बजे सामैया रहेगा उसके बाद प्रवचन रोज के प्रवचन चालू हो जाएंगे और बाद में 4 तारीख को अत्तर पाड़ा 5, 6, 7 तेला और 8 तारीख को पाड़ा दो भाग्यशाली ने लाभ लिए हैं 3 दिन अलग अलग अनुष्ठान रहेंगे अभिषेक रहेंगे जन्म का महोत्सव होगा और साथ साथ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत हंस रत्न सरस्वती महाराज उनके 16 यानी कि 96 उपवास पूरे होंगे और दूसरे 16 का पचकार दादा के दरबार में होंगे तो ये तीनों दिन अद्भुत माहौल लगेगा कि साक्षात संकेश्वर न्याय हो गया है ऐसा माहौल बनने वाला है तो जिसको भी भावना है जिसकी भी इच्छा हो एक उपवास सिर्फ एक उपवास करना 3 उपवास की भावना रखना और उनके हाथों से अभी पास लेना है खड़े हो जाओ चलो खड़े हो जाओ